सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हेडेंसा ऑइंटमेंट के बारे में, यानी हेडेंसा ट्यूब के बारे में। सो दोस्तों, ये जानेंगे कि हेडेंसा क्रीम का जो यूज़ है वो किन कंडीशन में किया जाता है, इसके प्राइसेस वगैरह क्या होते हैं और इसका प्रयोग जो है किस प्रकार से किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह क्या होते हैं। सो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम जानकारी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम अक्सर लेकर आते रहते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हेडेंसा ऑइंटमेंट में मिले हुए कुछ साल्ट के बारे में कि इसमें कौन कौन से साल्ट होते हैं। दोस्तों, हेडेंसा ऑइंटमेंट के साल्ट की बात की जाए तो इसमें थाइमोल मिला होता है और इसमें मिंथॉल मिला होता है और लीडोकैन साल्ट भी इसमें मिले होते हैं। बात की जाए दोस्तों इसके यूज़ के बारे में, तो इसका यूज़ जो है जब आपके इनाल मार्ग में पाइल्स हो जाते हैं या फिर यूँ कहें कि बवासीर हो जाते हैं, बगंदर हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में होता क्या है कि आपके इनाल मार्ग में जो है काफ़ी खुजलाहट जैसे महसूस होता है और आपको काफ़ी पेन होता है, काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी जलन होती है, तो ऐसे कंडीशन में जो है हम हेडेंसा ऑइंटमेंट का यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसका यूज़ जैसे कि आपके गुदा मार्ग में जो है जलन महसूस होती है या फिर यूँ कहें कि खुजलाहट जैसा भी महसूस होता है आपके गुदा मार्ग में, या फिर यूँ कहें कि आपके इनाल मार्ग से जो है खून आता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। और जैसे कि इनाल मार्ग में अल्सर जैसा हो गया है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। और आपके गुदा मार्ग में जैसे कि स्वाइलिंग वगैरह आ गई है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो। और इसका यूज़ दोस्तों जब आप पखाना करते हो तो उसके बाद में होता क्या है कि आपको काफ़ी जलन जैसा महसूस होता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। बात की जाए दोस्तों हेडेंसा ऑइंटमेंट के प्राइस के बारे में, तो यह मार्केट में आपको 80-85 रुपीज़ में या फिर यूँ कहें कि 100 रुपये के अंडर में ही ये आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बट जब आप इसका यूज कर लेते हो अपने इनाल मार्ग में, अपने जो है गुदा मार्ग में जब इसका आप यूज़ कर लेते हो, तो दोस्तों लोगों को होता क्या है कि कभी कभार उनको दिन में 3 से 4 बार उन्हें जो है टॉयलेट जाना पड़ सकता है, ये जो है इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ऐसा साइड इफ़ेक्ट इसलिए देखने को पड़ते हैं कि उस समय आपका जो इनाल मार्ग है वहाँ पे चिकनाई हो जाती है, तो उससे क्या है आपको 2 से 3 बार टॉयलेट भी आ सकते हैं। ये जो है इसके नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं, बस ऐसे साइड इफ़ेक्ट जो है पेशेंट में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है पाइल्स या फिर फिस्चुला के बारे में, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।